अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नसरीन और आज जो मैं बनाने जा रही हूँ वो है गाजर आलू की सब्ज़ी बना रहे हैं। सर्दियों में ही बनती हैं ये सारी सब्ज़ियाँ और सर्दियों में आती भी बहुत ढेर सारी सब्ज़ियाँ हैं। और बनाइए और बहुत ही मज़ेदार करके बना रही हूँ और इसको आप लोग भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं गाजर आलू की सब्ज़ी। आज जो बनाने जा रहे हैं हम गाजर और आलू की सब्जी बना रहे हैं। इसके लिए हमने गाजर जो ली है वो है आधा केजी और दो बड़े साइज के हमने आलू लिए हैं जिसको छोटे छोटे पीसों में कर लिया है। ये आलू है, गाजर आलू बन रहे हैं। और इसके लिए हम जो इसको इसमें जो तड़का लगाएंगे वो लहसुन से लगाना है। तो ये हमने लहसुन के जो जवे लिए चार लिए हैं और आधा चम्मच के करीब जीरा है और एक मीडियम एक बड़ा टमाटर ले लिया है मैंने। ये छोटे छोटे चॉप किया हुआ है टमाटर। और साथ में इसमें ये मसाले पड़ेंगे, बहुत कम मसालों से ही बन जाता है सब्जी बन रही है। तो ये मैंने एक आधा चम्मच से भी कम जो है काली मिर्च का पाउडर लिया है, ब्लैक पेपर। और ये चाट मसाला है आधा चम्मच, और ये आधे चम्मच से भी थोड़ी कम ही है लाल मिर्च पाउडर। और आधा से पौन चम्मच करीब नमक डाला है और धनिया लिया है इसमें। धनिया से बहुत ज़्यादा ही ज़बरदस्त और के बहुत अच्छा लगता है। कुकर में ही बना रहे हैं, कुकर में बना रहे हैं। और इसे ये वाला जो हमने चम्मच है इसके दो चम्मच लिए हैं। तो अब मैं इसमें जो है जीरा और ये जो है लहसुन ये इसके अंदर चला गया, चल गया। और साथ में चले गए टमाटर भी, सीके अंदर ही मैं इसमें डालूंगी। पहले टमाटर जो है बहुत अच्छी तरीके से हो गए हैं, तो अब मैं इसमें गाजर डालना है और ये आलू मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। गाजर और आलू को मैं बहुत अच्छे तरीके से तेल में फ्राई कर लिया है मैंने, देखिए इस तरीके से। और अब जो है मैं इसके अंदर ये जो सारे मसाले हैं, नमक है, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला और ब्लैक पेपर, काली मिर्च का पाउडर, ये भी सब एक साथ इसके अंदर सब चलेगा इसमें। और इसके अंदर आप चाहें तो भगोने में ही बना सकते हैं, इसमें भी मैंने मिक्स कर लिया है इसको। और आप लोग चाहें तो इसे भगोने में ही बना सकते हैं। भगोने में जो है इसमें पानी नहीं डालना है और बिल्कुल ही धीमी आंच पे ही बनाना है। और अब मैंने पानी की बूंद भी नहीं इसमें ऐड करी है, बस मैं ऐसे ही कुकर का कवर इसमें कवर करके रख दूंगी और दो सीटियाँ दे दूंगा। 5 मिनट में 2 सीटियाँ आ जाएंगी, तो देखते हैं कुकर का कवर लगा रहे कवर करके। 2 सीटियाँ आ चुकी हैं, अब हम इसके कुकर के कवर को खोल रहे हैं, देखते हैं क्या पोजीशन है। देखिए बिना पानी के ही, देखिए पानी है इसमें थोड़ा सा, और मैं इसे ऐसे ही इसको फुल फ्लेम पे ही अब मैं इसको पानी को इसको सुखाऊंगी। देखिए इसमें अगर आप लोग उसे भगोने में ही पका सकते हैं या फ्राई पैन में बनाएंगे तब भी इसे जो है लो फ्लेम पे बना लीजिए, पानी बिल्कुल नहीं पड़ेगा इसके अंदर और बन के बहुत अच्छा सा बहुत ज़बरदस्त बन के आता है ये। और देखिए अभी मैं इसको, अब मैं इसमें जो है धनिया, जितना भी धनिया मैंने लिया था ये धनिया हरा धनिया इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। धनिया से और ज़्यादा मज़े की लगेगी, मज़े मज़ेदार बन के आती है, बहुत ही अच्छी सी जायकेदार बन के आती है ये। और धनिया जो है इसमें ज़रूरी पड़ना है, धनिया से ही इसकी सबसे ज़्यादा मज़ा खुल के आता है और अच्छा भी लगता है। धनिया आप जितना भी चाहे उसमें डालिए। और इसे मैं ऐसे तरीके से भून लूंगी तो आराम से बन गई।
दो सीटियों में बन जाती है, कोई मुश्किल वाली सब्जी नहीं है। देखिए भुनने पे आ गई है, तेल छोड़ना शुरू कर दिया है, सब्जी तरी आना शुरू हो गई है। जाड़ों की सर्दियों की जो सर्दियां आती हैं, सर्दियों में ही गाजर आती है, तो सर्दियों में सबसे ज़्यादा ही सब्जियां आती हैं। इसी तरीके से ये बहुत और मज़ेदार बहुत ही लगती है, बहुत ही मज़ेदार बन के आती है। देखिए बहुत अच्छी अच्छी बन के तैयार होके आ गई है, और इसका पानी भी सूख गया है, और इसमें करी आना शुरू हो गई है। बहुत ही अच्छी तरीके से खुशबू आ रही है। अब मैं इसको जो है डिश आउट कर रही हूँ और गैस की फ्लेम को करती हूँ ऑफ। करने जा रही हूँ डिश आउट। आलू गाजर टमाटर और धनिए के साथ बनाई है आलू गाजर की सब्ज़ी, और बहुत ही ज़बरदस्त बन के आई है। बहुत ही अच्छी तरीके से खुशबूएँ आ रही हैं, और बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत कम मसालों के साथ, और झटपट से बन जाने वाली है, दो सीटी में आ गई है। आप लोग भी इसको ट्राई कीजिए, बनाइए और खाइए, एंजॉय करिए। सर्दियों की सब्ज़ी है, गर्मा गर्म गाजर देखिए भापे भी निकल रही हैं इसके अंदर से, और बहुत ही अच्छी बन के आती है, टेस्टी होती है। चाट मसाला ज़रूर डालिएगा इसमें, और आप लोग भी ट्राई कीजिए। और मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन को टच कीजिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियो आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिलेगी। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, कमेंट ज़रूर कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मेरे स्टाइल में बनाइए। अल्लाह हाफिज़।